श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनऊ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिकी सुमिरऊ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहू मोई हरऊ कलेश विकार सियरम पवन तने संकट हरन मंगल मूर तिरु राम लखन सीता सही हृदय वसऊ सोर भू सियावल राम चंद्र जी की जय शरणम शंकर हरिओ जय जय सिया राम जय जय हनुमान बोलिए उमापति महादेव की जय कृष्ण बलदेव की जय गजानन जी महाराज की जय बोलिए सरस्वती मैया की जय राघवेंद्र सरकार की जय सियावल रामचंद्र की जय बालाजी महाराज की जय बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बंधुओं पिछले लगभग 5 महीनों से श्री बालाजी मंदिर होड़ल पर प्रतिदिन समस्त भारत राष्ट्रीय समस्त विश्व में शांति हेतु रामायण पाठ अनुष्ठान किया जा रहा है। आप सभी श्री बालाजी मंदिर होड़ल के सभी धार्मिक आयोजनों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब लाइक व शेयर करना ना भूलें। राम कथा हनुमान कथा श्रीमद्भागवत कथा सत्संग कीर्तन आदि धार्मिक आयोजन करवाने हेतु आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या के कष्ट के निवारण हेतु उपाय जानने के लिए आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। बंधुओं हमारे जैनी भाइयों में एक उत्सव मनाया जाता है क्षमा उत्सव जिसे बोलते हैं क्षमा। तो बंधुओं आइए हम सभी बालाजी महाराज से राघवेंद्र सरकार मोपति महादेव से विनती करें कि जाने अनजाने हमसे जो अपराध हुए उन अपराधों के लिए वह हमें क्षमा करें और हमारे वह समस्त विश्व के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और आइए रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे। जिस स्थान पर कल्लवानी को ब्राह्म दिया था उसी स्थान से आगे चलेंगे। मधुकर मुकर भैरि सहनाई तेरे विधि ब्यारी बसीटी आई चतुरांगी सहन संगलीने बिचरत सब ही चुनौती दीना है। भौरों की गुंजार भैरी और सेनाई है शीतल मंद सुगंधित हवा मानो दूत का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगी सेना साथ लिए कामदेव मानो सब कुछ चुनौती देता हुआ विचर रहा हो वे लक्ष्य माने देखत काम ऐनी का रही धीर तिने के
जगली का एही के एके परम बल नारी तहीं ते ओभर सोवट सोई भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जावे वही श्रेष्ठ योद्धा है। तात तीन अत प्रबल खल काम क्रोध और लोभ हो रामा मुने बे ज्ञान धाम मन करहिन में से मऊ छो वे रामा। हे तात, काम क्रोध और लोभ यह तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। यह विज्ञान के धाम मुनियों को भी मन का मनों को पल भर में शुद्ध कर देते हैं, अर्थात भटका देते हैं। लोभ के इच्छा दम बल काम के केवल नार हो रामा। क्रोध के पुरुष बचन बल मन वर के ही विचार हो रामा। लोभ को इच्छा दम का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है, और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत से चराचर स्वामी रामा उमा सब अंतर जामी। काम नहीं के दीन ता देखाई धीरन के मन बृत दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणतीत तीनों गुणों से परे चराचर जगत के स्वामी सबके अंतरकरण की जानने वाले हैं। उपयुक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता बेबसी दिखलाई है और धीर विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया छूट ही सकल राम की दाया। सोनर इंद्र जाल नहीं भूला जा पर हो सो नट अनकूला। क्रोध काम और लोभ मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नट नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होवे वह मनुष्य इंद्रजाल माया में नहीं भूलता, अर्थात माया में नहीं उलझता। ओ माँ के हूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। पुन प्रभु गए सरोवर तीरा पंपा नाम सुभग सगंभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। हरि का भजन ही सत्य है, यह सारा जगत तो सुपन की भांति झूठा है।
फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर गहरे सरोवर के तीर पर गए। शांत हृदय जस निर्मल वारी बांधे घाट मनोहर चारी जह तह पियहि विविध मृग नीरा जन उधार गिर जा चक धीरा जन उधार गिर जा चक भीरा। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है, मन को हरने वाले सुंदर चार घाट बंधे हैं, भांति भांति के पशु जहां तहां जल पी रहे हैं, मानो उधार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। वह पुरन सघन ओट जल बेगी न पाई मर्म हो रामा माया छन ने देखिए जैसे निर्गुण ब्राह्म हो रामा। घनी पुरीनों के कमलों के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जल माई हो रामा। जता धर्म सीलन के दिन सुख संजुत जाई सिया रामा। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस एक समान सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुख पूर्वक बीतते हैं। बेके से सारे से जिनाना रंगा मधुर मकोर गुंज बहु ब्रंगा बोलते जल कुक कुट कलंसा प्रभु बेलो के जानो करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले वहे हैं, बहुत से बौरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं, जल के मुर्गे राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हो। मैं चक्रवाके वके खग समुदायी देखत व नहीं बरने नहीं जाई सुंदर खग गन गिरा सुहाई जाते पत के जनु लेत बोलाई। चक्रवाक बगले आदि पंछियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पंछियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिकों को बुलाए लेती होवे। ताले समीप मुनीन ग्रह छाए चाहूं देश कानन बिटिप सुहाए चंपक बकुल कदंब तमाला पाटल पनस परास रसाला। उस झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं, उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं। चंपा मूल श्री कदम तमाल
पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि। नवे पल्लव कुसुम ते तरुणाना, चांत्रिक पटली कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत भई मनोहर भाऊ। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर बौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कोह कोह कोकिले धुन कराही, सुन रवि सरस ध्यान मन टराही। कोयले कुह कुह का शब्द कर रहे हैं, उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों के भी ध्यान टूट जाते हैं। फल भारन नम बेटप सब रहे भूमि निराई सियारामा, पर उपकार पुरुष जिम नवहि सो संपत्ति पाई सियारामा। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर बने से झुक जाते हैं। देखे राम अतरु चिर तलावा, मन जानु कि नहीं परम सुख पावा। देख सुंदर तरोवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया, परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित बैठ गए। तेह मोने सकल देव मोने आए, आस्तुति कर निज धाम से धाये। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहते अनुज सन कता रसाला। फिर वहां सब देवता मुनि आए, स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। ब्रहम बंत भगवंताई देखी, नारद मन वाह सोच विशेषी। मोर साप कर अंगीकारा, सहते राम नाना दुख भारा। भगवान को ब्रह देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच बया। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही साप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, अर्थात दुख उठा रहे हैं। ऐसी प्रभु बिलो कहू जाई, पुने ने बनही असे अभूसरो जाई। यह विचार नारद कर बीना, गए जहां प्रभु सुख आसीना।
सिया राम जय राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय राम जय जय राम। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं फिर ऐसा अवसर न बनावेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में बीना लिए हुए वहां गए जहां प्रभु सुख पूर्वक बैठे वहे थे। गावते राम चरित मृदवानी प्रेम सहित बहुभात बखानी करते दंडवत लिए उठाई राके बहुत बार और लाई। वह कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित का गान करते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करके देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछे निकट बैठारे लक्षे मने सादर चरण पखारे। फिर स्वागत कुशल पूछकर पास में बिठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। नाना विध विनती करूं प्रभु प्रसन्न जिए जान सिया रामा। नारद बोले बचन तवे जोर सरूर पान सिया रामा। बहुत प्रकार से विनती करके प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथ जोड़कर वचन बोले जय जय सियाराम। आज रामायण पाठ को इसी स्थान पर प्रारंभ देंगे। श्री राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सियाराम।